Hello, good morning everyone. Myself Kailash Chaudhary, Pranam Kailash Chaudhary, मैं हिंदी मीडियम में असिस्टेंट पढ़ा रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वह मौर्य वंश के बारे में। इससे पहले मैंने जब आपने बताया था उसका पेनिनसुला महाद्वीप के बारे में बताया, जो बहुत गर्व है और बहुत ही मिलता है, उसमें हमें 16 महाद्वीपों का उल्लेख मिलता है। पूरे भारत में विस्तृत फैले हुए थे। इनमें राजनीतिक का प्रभाव था, ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, कोई केंद्रीय शक्ति नहीं जो भारत को एक राजनीतिक क्षेत्र में, एक राजनीतिक इकाई में, एक राजनीतिक संगठन में बदल सके। इसका काम मगध को बना मौर्य सोलह महाद्वीपों मगध बिहार में वर्तमान में जो पटना भागलपुर और गया से वहां से हरियक वंश के समय मगध शक्तिशाली हो गया था। मगध की दो राजधानी, पहली राजधानी राजगीर या व्यास कहते हैं, बाद में कालांतर में मौर्य के शासन मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पड़ी। तो मगध महाद्वीप था वो भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत संपन्न। मगध महाद्वीप में या मगध क्षेत्र में चारों उसकी भौगोलिक दिशा ऐसी थी, चारों से पानी से घिरा था, भौगोलिक दृष्टि से उसकी अभेद्य बना। चंपारण में उसकी करीब से जाती थी, जैसे जो अंगोर मगध अलग करते थे। मगध क्षेत्र में लोग ऐसी थी विशाल खदाने थी, लोग जहां से कुआ निकलता था लोहे का प्रयोग उस समय भाले तलवार या अन्य आयुधों के निर्माण के लिए होता था। इसलिए मगध महाद्वीप के चंद्रों में हाथों की विशाल सेना थी। जैसा कि आपको पता है चंद्र मौर्य की सेना में करीब 180,000 हाथी थे। उसके लिए हस्ती सेना अलग सी थी जिसने मगध के शक्तिशाली करने में महत्वपूर्ण भूमिका ली। इसके अलावा मगध के अनेक खनिज निकले थे, मगर मगध की भौगोलिक दिशा से मगध प्राकृतिक दृष्टि से बहुत संपन्न था। खाद्यान्न उत्पादन में चरम पर था, इसलिए मगध को शक्तिशाली बनाने यहाँ के राजपूत का प्रमुख योगदान रहा। मगध के उनमें हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। कालांतर में मौर्य वंश मगध को केंद्र बनाकर, मगध को केंद्र बनाकर एक शक्तिशाली केंद्रित सुसंगठित एकीकृत साम्राज्य का निर्माण किया, जिसका विस्तार पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल और सीरिया, उत्तर में पश्चिमी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत था। इस भारत को हम बेहतर बात के नाम से जानते हैं। शासन की सुविधा की दृष्टि से मौर्य ने मगध को कई प्रांतों में बांट दिया, लेकिन मगध का प्रशासन था वो पाटलिपुत्र के द्वारा ही संचालित होता था। आज का हमारा मूल मौर्य वंश के बारे में, जैसा कि आपको पता है 326 ईसा पूर्व के आसपास मगध की गति पर नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद का शासन, जो अपने अत्याचारों के लिए प्रसिद्ध था, जो जनता के लिए अत्याचारों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, वो उसने जनता को भयंकर कर रहा है। जनता क्राइम मान क्राइम मान करने लगी, जनता के क्षेत्र एकदम नियम स्तर पर पहुंच गई। उससे पूर्व जो उसका राजा हुआ था जिसका नाम महामुद्रा, जिसका भारत में उसके पास करोड़ों स्वर्ण मुद्रा है, इसलिए उसका नाम महामुद्रा नंद हो गया। इसी समय भारत पर के पश्चिमोत्तर क्षेत्र सिकंदर का आक्रमण शुरू होता है। पश्चिमोत्तर की सीमा ऐसी थी, पश्चिमोत्तर के क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, उनमें राजनीतिक एकता का ऐसी कोई केंद्र क्षेत्र नहीं थी जो विश्व संगठित कर सके,
मगध का काम है, नंदों का काम, उसमें केवल मगध उसके आसपास के क्षेत्र पर था। पश्चिम उत्तर भारत से चंद्र के आक्रमण से बैकग्राम था, उस जनता का कर्म और बोझ उतना अधिक था कि जनता की आर्थिक स्थिति एकदम निम्न स्तर पर पहुंच गई थी। जनता ऐसा कुछ थी, लोग ऐसे एक ऐसे आदमी की प्यास थी जो भारत को एक सूत्र में एक राजनीतिक इकाई के रूप में एक जुटी कर सके। उन्हें एक ऐसे राजा की तलाश थी जो इस बिखरे हर एक राज इकाई, एक राजनीतिक साम्राज्य, एक राजनीतिक एकीकृत व्यवस्था के रूप में मान सके। तो यह नाम मौर्य ने था, मौर्य ने भी सकते थे। उन्हें एक ऐसे राजा की तलाश थी जो भारत को एकता के सूत्र में मान सके। यह कार्य किसने किया? चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त कोटी में भी आता है, ज्योतिष योगिकला आदि शिक्षाएं देकर उसे सुसंगठित युग के रूप में उसका निर्माण किया। चाणक्य कौटिल्य तथा चंद्रगुप्त ने मगध को आक्रमण किया, नंद वंश का अंत होता है और मौर्य वंश की स्थापना होती है। चाणक्य से चंद्रगुप्त मौर्य का उदय होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम राजा नानक को परास्त करके उसको मारकर एक नए वंश की निर्माण किया जिसे मौर्य वंश कहते हैं। मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद का एक लिखित इतिहास लिखता है। उससे पहले भारत का इतिहास था ऐसा, उसमें तारीख का मौर्य वंश ने भारत के बारे में हमें लिखित साहित्य पुरातात्विक स्रोत मिलने शुरू हुए। मौर्य की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य विष्णु चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार प्रमुख प्रधानमंत्री था, जिसने एक ग्रंथ की रचना की थी अर्थशास्त्र, जिसने शासन व्यवस्था, उसका प्रबंध, राजा की आर्थिक स्थिति, राजा के कर्तव्य, राजा के कार्य, राजा की स्थिति, राजा की नीतियां, पड़ोसी राजा के साथ संबंध कैसे होते हैं उनके बारे में जानकारी दी। इसके अतिरिक्त मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें दीपवंश और महावंश नामक ग्रंथ से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में विदेशी राजकुमार उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका से भी और जो दूसरी बंगाली शब्द है उसमें चंद्रगुप्त और मौर्य का वर्णन एंट्रोपोटस के रूप में होता है। यदि हम एंट्रोपोटस की हिंदी नाम लिखी वह नाम चंद्रगुप्त मौर्य ही मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में एकजुट किया। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में 2500 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व पूरे भारत में जो यूनानी शासन था जिसे सिकंदर ने नियुक्त किया था सेल्यूकस निकेटर, उसमें उसकी लड़ाई चंद्रगुप्त मौर्य के साथ थी। चंद्रगुप्त मौर्य उसे हराने में सफल होता है। हारने के बाद सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से 500 भागे देता है। चंद्रगुप्त मौर्य उसे 500 भागे देते हैं। बदले में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में, इसके अलावा सिंध का पश्चिम क्षेत्र द्वारा एकता के सूत्र में बंध गए।
जो चंद्र कुमारी का साम्राज्य था उसमें अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब, भारत का कश्मीर, कन्याकुमारी, इसके अलावा महाराष्ट्र का क्षेत्र, चोल, चेर, पांडे, यहाँ तक उसका साम्राज्य विस्तृत था। पूर्व में कलिंग को छोड़कर अधिकतर भारत के चंद्र कुमारी के साम्राज्य में मिलते हैं। और इन्हें लिखकर इनको नोट्स लिखकर जूम कर लिया